सबसे बड़ा महंगा होटल ये मनु महारानी। सबसे महंगा होटल क्या नाम है? मनु महारानी। 10,000 से इसका डबल बेड स्टार्ट है। ये जो जंगल दिखाई दे रहा है ये मिलता जुलता जिम कार्बेट जंगल की तरह है। इतना घना जंगल जिम कार्बेट फॉरेस्ट है। अभी हमारा भाई साहब पीछे से आ रहा है। घोड़ा का नाम है हैंडसम। क्या हैंडसम नाम है घोड़ा? हैंडसम घोड़े का नाम तो बहुत बढ़िया नाम रखा भैया। तो थोड़ा इसका फोटो भी ले लेते हैं। आगे खींचते हैं। आगे आगे काफी घना जंगल है। बहुत अच्छा लग रहा है। कई तरह तरह की चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रहा है। ये किस चीज़ का आवाज़ है भाई? कीड़ा बोलता है। कीड़ा? बड़ा वाला कीड़ा। ये कीड़ा होता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। एक चिड़िया, वो कौन सी चिड़िया है? पहाड़ी चिड़िया, उसका नाम है। ये पहला पॉइंट है, या घोड़ा हमारे को उतर दिया है। अभी लैंड्स एंड एक पॉइंट है, ये देखना है क्या है। हम आगे जाते हैं। ये व्यू पॉइंट लैंड्स एंड पहला पॉइंट है हमारा। बहुत घना जंगल है, ये चढ़ाई भी बहुत है। ये मेरा घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा चल रहा है, बहुत तंदुरुस्त घोड़ा है। भागता है, बीच बीच में भागता है। आगे ले जाओ, आगे ले जाओ, सबका फोटो आ जाएगा। आगे नहीं, आगे ले जाओ, आगे ले जाओ। ये है हमारे सब सैनिक, वीर सैनिक, सब आगे घोड़े में बैठ के जंगल का सफारी कर रहे हैं। ये जंगल सफारी करने आए घोड़े में बैठ के, इनको तो आना चाहिए था पैदल। चलो कोई बात नहीं, चढ़ाई बहुत है इसलिए घोड़े में आए हैं। हाँ, आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा घूमे? ठीक है। इस स्थान का नाम है दोरथी पीक। डोरथी पीक, इसका मतलब दौड़ के ऊपर जाना होगा। ये डोरथी कहलाते एक फॉरेन लेडी थी, उनके नाम से डोरथी पीक कहलाता है। ये ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ पॉइंट है। अच्छा अच्छा। ये जो है नीचे टिफिन टॉप था, ग्रास फील्ड, वो पिकनिक स्पॉट है। अच्छा, ठीक है। ये उससे अटैच उसका व्यू पॉइंट है। यहाँ से आपको पूरा हिमालय रेंज थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखो देखो आप, थोड़ा दिख रहा है हिमालय पीक। दिखा दिखा। बाकी इधर पूरा नैनीताल स्कूल्स वगैरह गवर्नर हाउस सब दिखेगा। ठीक है, अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जाके दिखाएंगे क्या क्या दिखता है। ए इधर आ जाओ। ये है दोरथी पीक, हम दौड़ के जाएंगे दोरथी पीक में।
इस स्थान से पूरा हिमालय का रेंज दिखाई देता है। ये बहुत ही ऊंची स्थान है, बहुत शानदार, मौसम भी खुला है। ये अभी हम कैमरा घुमाएंगे। हल्द्वानी से आया हुआ है एक कॉलेज की तरफ से टूर करने के लिए। चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप लोग ये कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा और बहुत अच्छा क्लाइमेट है। तो आप घोड़े से आए या पैदल आए? घोड़े यहाँ नीचे हम लोग पैदल आए हैं। पैदल में तो और बढ़िया है, लेकिन टाइम कितना लग गया? टाइम लगा डेढ़ घंटा टाइम लग गया। हम तो घोड़े से आए, घोड़े का काफ़ी पैसा लेता है। बहुत अच्छा लगा। 820 रुपया लिया घोड़े वाले ने। घोड़े का तो 500 रुपया ज्यादा है वहाँ का। हम लोग पैदल ही आ गए। हाँ, क्योंकि पैदल घूमने का अलग ही मजा है। और यहाँ पे क्या क्या देखा, कौन सा पॉइंट देखा? और ये पांडे जी हैं हमारे। सुसाइड पॉइंट की कमी नहीं है पहाड़ में? हाँ, ये तो है। जो मर्जी कहीं से कूद जाओ। सही बोल रहे हैं। ठीक है, ये हमारा घोड़ा अभी थोड़ा नीचे जाके हम बैठेंगे, ज़्यादा ढाल है इसलिए इन्होंने बोला है थोड़ा आगे जाके बैठना है। तो ठीक है, हमें भी अच्छा लग रहा है थोड़ा पैदल चलने में। अरे भाई देखना, सामने जो विलेज है इसी स्थान पर ऋतिक रोशन का फिल्म कोई मिल गया शूटिंग किया गया था। साइड पॉइंट बहुत ही खतरनाक जगह है, अगर यहाँ से गिरा तो उसको पता नहीं लगेगा कहाँ चला गया। ये देख सकते हो कितना खाड़ी चढ़ाई है, यहाँ से सुसाइड करना तो एकदम मौत का घाट उतरना है, एकदम कोई नहीं बच सकता। देखो पहाड़ी क्षेत्र में तो हर जगह में सुसाइड पॉइंट, चार तीन लोग वही सुसाइड, पांच मंजिले के फ्लैट से आप कहाँ से आए? हर जगह कितने लोग आ रहे हैं सुसाइड पॉइंट देखने के लिए। Thank you.
बेटे? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो बोलो अंकल।